हेलो फ्रेंड, मैं शेफाली जैन 360 डिग्री के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करती हूँ। आज अपन एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगी होमोजीनियस हो या नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस को हिंदी में समघात बोलते हैं और नॉन होमोजीन को असमघात। यानी समघात यानी डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कैसी होगी सम फॉर्म में, है ना। देखो क्वेश्चन से मैं समझा दूंगी, तो क्वेश्चन दोनों टाइप की सॉल्यूशन करना सिखाऊंगी। तो पहले मैं आपको होमोजीनियस के जितने टाइप होते हैं वो सिखाऊंगी, क्योंकि नॉन होमोजीनियस क्वेश्चन जब अपन सॉल्व करते हैं तो यदि आपको होमोजीनियस सॉल्व करना तो नॉन होमोजीनियस आप इजी फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अपन नॉन होमोजीनियस की अपेक्षा अपन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड सीखेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, आंशिक अवकल समीकरण। क्लियर। क्लास फर्स्ट है इसका नाम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है अपन डिफाइन करते हैं, तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये अपने टॉपिक का नाम है। ठीक है, तो यहां पर मैं डिफाइन कर रही हूं, तो यहां पर जेड को अपन फंक्शन मानेंगे और एक्स वाई उसके वेरिएबल होंगे। जेड इज अ फंक्शन, यानी कि जेड का अपन एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल करेंगे। तो समघात और ये इक्वेशन क्या होती है वो डिफाइन करी है। तो डेल टू पावर एन, एन वाई डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये वन कॉन्स्टेंट है, ये एन वाई आ गया, ये एन की फॉर्म है। ऐसी चलती जा रही है डिफरेंशियल इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स वाई कुछ इक्वेशन में इक्वल होगी। डिफाइन कर रखा है डी की मतलब क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स, डी डैश मतलब डेल अपॉन डेल वाई, डी स्क्वायर मतलब डबल डिफरेंशिएशन, जिसे आर से नोट करते हैं, डी डैश यानी वाई के रेस्पेक्ट जिसे टी से नोट करते हैं। और यहाँ पर डी इंटू डी डैश या डी डैश इंटू डी की वैल्यू होती है डेल स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल, जिसे अपन ऐसे नोट करते हैं, डी एन एन एंथ बार, डी डेन एन बार एंथ बार। तो यदि इस क्वेश्चन में जहाँ डेल अपॉन डेल एक्स है वहाँ पर मैं डी रख दूँ, जहाँ डेल अपॉन डेल वहाँ डी डैश रख दूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी वो मैंने डिफाइन कर रखी है, इक्वेशन अपनी ऐसी कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर। तो इसको काम है पहला आपको, यदि क्वेश्चन डेल के फॉर्म में है तो उसको डी में कन्वर्ट करना है, पहला काम अपना ये है ना। तो डी मतलब डेल अपॉन डेल एक्स और डी डैश मतलब डेल अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल। तो इसको मैंने डिफाइन कर रखा है, तो यहाँ पर एफ, अब ये होमोजीनियस कैसी बन रही, यहाँ पर पावर कितनी है, हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कितनी एन, यहाँ पर एन माइनस वन एक सिंगल डी होगा, टोटल एन हो गई। यहाँ पर डी टू पावर एन, यानी डी और डी डैश की होल पावर मिलाकर एन डिग्री होनी चाहिए, सेम डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर कितनी है एन है, तो यदि एन माइनस वन एक, एक ये दोनों को ऐड करेंगे तो एन माइनस वन प्लस वन दैट इज वन एन आ जाएगा। यहाँ पावर कितनी है एन, तो होल पावर डिग्री कितनी हो जाएगी, एन इज अ होमोजीनियस समघात फलन है। अब यहाँ पर डिफाइन कर रहा है इसको अपन एफ डी डी का फंक्शन मान लेते हैं, डी माइनस का डिफाइन करी। तो यहाँ पर डिफाइन कर रहा है दिस इज अ लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ एन विथ कांस्टेंट कोफिशन। ऑर्डर ऑफ एन यानी nth बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो उन्होंने बोला है इसको क्या बोलेंगे, रैखिक समघात अवकल समीकरण। इसको बोलेंगे हिंदी में एन घात का रैखिक समघात अवकल समीकरण, आंशिक अवकल लिखना चाहिए, आंशिक अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण, ये इसकी हिंदी हो जाएगी। क्लियर। अब सॉल्यूशन क्या निकलता है, यदि इक्वेशन का जेड का आंसर निकलेगा, यहाँ पर जेड इक्वल टू होता है सी एफ प्लस पी आई इज आंसर। सी एफ क्या कहलाता है, सी एफ को हिंदी बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर हो गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन में सी एफ निकालना पड़ेगा पी आई, तो आज अपन सी एफ निकालना सीखेंगे फिर निकलेंगे पी आई। तो आज अपन ओनली मैं सी एफ निकालना सिखाऊंगी। क्वेश्चन है फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ, सी एफ निकालना सिखा रही हूँ कैसे निकालते हैं। तो अपना पहला काम है डेल अपॉन डेल एक्स जो होगा उसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे, जो इक्वेशन होगी उसको डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। इक्वेशन में डी की जगह एम रखनी है, डी डैश इक्वल टू वन रखना है, तो अपने इक्वेशन एम में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, हिंदी में बोलते हैं सहायक समीकरण। क्या बोलते हैं, सहायक समीकरण। क्लियर। अब एम की वैल्यू डिसाइड करेगी कि अपना जो सी एफ उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। एम यहाँ पर डिफाइन कर रहा है, एन पावर एन है, डिग्री एन है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी निकलेंगे एन, ऑर्डर ऑफ यानी रूट कितने निकलेंगे, डिग्री पे अकॉर्डिंग निकलेंगे एन निकलेंगे। एक टेबल बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग सी एफ डिफाइन कर रखा है, फॉर टेबल फॉर सी एफ यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टाइप ऑफ रूट एंड टाइप ऑफ सी एफ।
टाइप ऑफ रूट यानी एम की वैल्यू कैसी निकल रही है उसके अकॉर्डिंग वहां पर अपन सी एफ बनाएंगे। तो यहाँ पर m की वैल्यू, दोनों वैल्यू डिफरेंट निकल रही है, m1 और m2, तो सी एफ जेड इक्वल टू क्या निकलेगा, फाइ वन वाई प्लस एम वन जेड प्लस फाइ टू वाई प्लस एम टू एस, यानी वाई प्लस एम एक्स होता है लाइन का इक्वेशन, तो m की जगह m1 डालना है और यहाँ पर क्या है फाइ टू वाई प्लस एम टू, फाइव वन फाइव टू इज अ कॉन्स्टेंट। तीन वैल्यू मेरी डिफरेंट निकल रही है तो यहाँ पर फाइव वाई प्लस एम वन एक्स, फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स, फाइव वाई प्लस, क्लियर। एक टाइप बन सकता है कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू निकल रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू को एम वन मानेंगे, नेगेटिव वैल्यू को एम टू मान लेंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये एम वन एक्स एम टू एक्स, पैटर्न वही चलेगा। कभी कभी पैटर्न बन सकता है एक वैल्यू मेरी डिफरेंट निकली, दो वैल्यू सेम निकले, पैटर्न बन सकता है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y प्लस एम वन एक्स फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स। अब यहाँ से मेरी m2 की वैल्यू रिपीट हो रही है तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x का, जहाँ से वैल्यू रिपीट हो रही है, m2 m2 सेम है तो यहाँ पर आएगा y प्लस एम टू एक्स ही लिखेंगे, बस किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x, यानी जहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट होगा वहाँ पर x का मल्टीप्लिकेशन करना, इसके अलावा कोई टाइप नहीं बनते। तो ये आपको पैटर्न याद रखना पड़ेगा सी एफ के लिए। जब भी क्वेश्चन में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इक्वल टू में जीरो हो तो वहाँ पर सी एफ ही अपना आंसर हो जाता है, यानी ओनली अपन को सी एफ निकालना, पी आई निकाल, क्योंकि अपन ने अभी देखा था जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई इज आंसर होता है। तो इक्वल टू में यदि जीरो है तो वहीं मेरा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सी एफ ही मेरा क्या होगा आंसर। और जहाँ पर इक्वल टू में कोई फंक्शन होगा साइन ई कॉस कुछ भी डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू, तो वहाँ पर अपन पी आई भी निकालेंगे। तो कब सी एफ निकालना, कब पी आई, समझ में आ रहा, यानी कि इक्वल टू में कोई फंक्शन है तो वहाँ सी एफ पी आई दोनों चीज़ें निकाली जाती हैं, जहाँ पर इक्वल टू में जीरो बस है तो वहाँ पर अपन ओनली क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ओनली ओनली सी एफ निकालेंगे। और फंक्शन होमोजीनियस है नॉन जीनियस वो क्वेश्चन डी पे डिपेंड करेगा, अपन चेक कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आर और एस की फॉर्म है तो उसको डी और डी डैश में मुझे कन्वर्ट करना है, क्लियर। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्यूशन, वी है क्लियर, तो आर की वैल्यू कितनी होती है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड अपॉन डेल एक्स अपॉन एल एक्स, ये होती है एक्स की वैल्यू, आर की वैल्यू टू ए, ये कितनी होती है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल एक्स इंटू डेल वाई, ये कितनी होती है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू होती है डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड अपॉन डेल अपॉन टी, डायरेक्ट डी ओ डी डे इसके रिफ्लेक्स में भी कर सकते हैं, क्लियर। इसको डी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये कितना बन जाएगा, एक्स दो है तो यहाँ पर आएगा डी स्क्वायर जेड, क्लियर हो गई। यहाँ पर कितना आ जाएगा टू, नीचे देखना पड़ा डेल एक्स है और डेल एक्स, यानी डेल एक्स डी में कन्वर्ट होगा, डेल वाई डी डेल, और जेड तो चलेगा फंक्शन। यहाँ पर कितना है, टी नहीं था वाई था, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा टू ए स्क्वायर डी स्क्वायर जेड इक्वल नहीं डेड एक्स, क्लियर। यहाँ पर लिख लेंगे सिंस डेल अपॉन डेल एक्स जेड की वैल्यू कितनी है मेरी डी, और डेल अपॉन डेल वाई जेड की वैल्यू कितनी है मेरी डी डेल जेड, क्लियर। अब यहाँ से क्या करते हैं, z को कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा अपना डी स्क्वायर टू ए डी इंटू डी डैश टू ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और z आ जाएगा कॉमन। तो अब ये देखो दिस इज अ होमोजेनियस पैटर्न है, कैसा, यहाँ पर d की पावर कितनी है टू, यहाँ पर d और d डैश दो हैं तो दो पावर हो जाएगी, यहाँ पर d डैश की पावर है, यहाँ पर एक और एक दो पावर दो हो जाएगी, यहाँ कितनी है दोनों, होमोजेनियस पैटर्न बन रहा है, क्लियर हो गया, होमोजेनियस समझ में आ रहा। अब यहाँ पर क्या निकालना, इक्वल टू जीरो सी एफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, हिंदी में बोलेंगे सहायक समीकरण, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी, डी की वैल्यू कितनी रखनी है, एम डी डेस इक्वल टू वन रखना पड़ता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एम स्क्वायर 2a, वैसे की वैसे d की वैल्यू m आ जाएगी, d डैश की वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 स्क्वायर,
जेड तो वन ही चलेगा, जेड नहीं आएगा ना, जी की नहीं आएगा, यानी कि इसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू एम रखनी पड़ती, डी रेज इक्वल टू वन। तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर टू ए एम टू ए स्क्वायर। क्लियर, इक्वल टू जीरो। इसको मुझे सॉल्व करना है, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इसको लिख के मैं अगेन इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ थ्री चल रहा था, टू कर दिया मैंने, डिजिट थ्री थी ना, स्टार्टिंग से थ्री थी, मैंने टू कर दी गलती से। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। तो इक्वेशन बन रही है अपनी एम स्क्वायर माइनस थ्री ए एम प्लस टू ए स्क्वायर। इसको रीचेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब मुझे फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर हमेशा डिजिट का बनता है, तो यहाँ पर आ जाएगा एम स्क्वायर, ये डिजिट की जगह एक ब्रैकेट बना लेते हैं, क्लियर। अब मुझे डिजिट कितनी है, थ्री, थ्री को किस में करना है, मुझे टू डिजिट में, यानी ऐसी डिजिट में वेरी ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन टू आता है, एडिशन थ्री आता है। तो टू इंटू वन की वैल्यू कितनी होती है, टू, टू इंटू वन, तो इसको थ्री को ब्रेक कर रही हूँ टू प्लस वन। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा एम स्क्वायर, इस माइनस का और ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आ जाएगा माइनस टू ए एम, माइनस का ए एम। क्लियर हो रही, इसका मैं मल्टीप्लिकेशन करी माइनस का, तो माइनस का टू बन जाएगा और इस साइड से ए आएगा तो ए एम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का ए एम, ये कितना हो जाएगा टू ए स्क्वायर। और इसकी से वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से एम कॉन्स्टेंट निकलेगा तो एम माइनस टू ए आ जाएगा, एम को मैं कॉमन निकाल ली इस वाले, यहाँ से इसको ऐसा बनाना है तो एम मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस का ए कॉमन निकाल ली, तो आ जाएगा एम, ये बचेगा माइनस का टू ए इक्वल टू जीरो, माइनस का आएगा मैंने। क्लियर, तो यहाँ से एम माइनस टू ए होल कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा एम माइनस का ए इक्वल टू जीरो। क्लियर, फैक्टर बनाने आ रहा है आपको, यहाँ पर क्या आ जाएगा एम माइनस टू ए इक्वल टू जीरो, एम माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो यहाँ कितना आ जाएगा एम इक्वल टू टू ए, एम इक्वल टू ए। क्लियर, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, टू ए और ए। क्लियर, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, तो सबसे पहले जो छोटी वैल्यू उसको पहले लिख देते है ना, छोटी वैल्यू ए, एम इक्वल टू कितना आ जाएगा ए, और एम इक्वल टू कितना आ जाएगा टू ए। एम की दोनों वैल्यू कैसी निकल रही है, डिफरेंट निकल रही है, कैसी निकल रही है, डिफरेंट। ठीक है, तो अपन ने पैटर्न पढ़ा था, यदि m इक्वल टू एम वन प्लस एम वन है ना, दैट इज यहाँ पर लिख रहा है इफ m इक्वल टू कितना निकल रहा है एम वन कॉमा एम टू, तो सी एफ इक्वल टू क्या निकलता है फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स। क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं सी एफ फाइव वन वाई, एम की वैल्यू एम वन यानी फर्स्ट वैल्यू कितनी निकाली मैंने ए, तो एक एम वन की वैल्यू कितनी रख देते हैं ए, तो आ जाएगा ए एक्स फाइव टू, यहाँ पर कितनी निकाली मैंने टू ए एक्स। क्लियर, तो ये समझ में आ गया सी एफ कैसे निकाला, फॉर्मूले से भी वैल्यू फॉर्मूला बताया मैंने पहले। क्लियर, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ सॉल्यूशन इज द टोटल सॉल्यूशन इज z इक्वल टू क्या आ जाएगा सी एफ, यानी जो मेरा z है वो सी एफ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू में कितना है जीरो था, गिवन इक्वेशन क्या था इक्वल टू जीरो, तो जो अपना सी एफ बनेगा वही सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन किसकी निकाली मुझे z की निकाली है, तो z इक्वल टू सी एफ, तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा फाइव वन वाई प्लस ई एक्स फाइव टू वाई प्लस टू एक्स, दिस इज द आंसर। क्लियर, ये अपना आंसर आ गया। दो तीन क्वेश्चन और कराती हूँ जिससे आपको सी एफ निकालना सीख जाएंगे, और अपन प्रीवियस यानी नेक्स्ट क्लास में जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें मैं पी आई निकालना भी सिखाऊंगी आपको। क्वेश्चन है सॉल्व इक्वल टू जीरो ही है, और यहाँ पर देखो डिग्री टू टू है ना, होमोजीनियस पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है पहले सॉल्यूशन, वी हैव, तो
पहला काम है फंक्शन लिख रहे हैं पूरा, और इसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे, डी में कन्वर्ट करना है, देन सॉल्व करना है। किस में कन्वर्ट करना है, डी में, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर एक्स क्रिस्प में डी स्क्वायर डैश, ये कितना बन जाएगा डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू जीरो। यहाँ लिख देंगे सिंस डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन, डी, और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, डी डैश। फंक्शन लिखते तो जेड दोनों साइड लिखना पड़ता, ठीक है। दोनों से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस का डी डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, तो यहाँ पर d की वैल्यू कितनी रखनी है, m, d डैश इक्वल टू वन, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा m स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो, क्लियर। यहाँ पर आ रहा समझ में कुछ, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है m माइनस वन बन जाएगा m प्लस वन बाय द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है, तो उसको क्या लिखते हैं, a माइनस b लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, a प्लस b, क्लियर। तो यहाँ पर बन जाएगा अपना m माइनस वन इक्वल टू जीरो और m प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकल आएगी अपने पास, प्लस वन, यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस इफ m इक्वल टू m1 m2, दोनों वैल्यू डिफरेंट निकल रही है, तो सी एफ इक्वल टू क्या होता है, फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स, फाइव टू y प्लस एम टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर m1, यहाँ पर लिखेंगे सी एफ इक्वल टू फाइव वन वाई, एम वन की वैल्यू कितनी निकाली अपन ने, वन एक्स, फाइव टू, एम टू की वैल्यू कितनी निकाली मैंने, माइनस का वन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सी एफ इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एक्स, फाइव टू वाई माइनस एक्स, क्लियर। तो हमें लिखेंगे द सॉल्यूशन इज, द टोटल सॉल्यूशन इज, जेड इक्वल टू क्या आएगा, सी एफ, यानी जो जेड इक्वल टू सी एफ है वही अपना आंसर होगा, क्योंकि इक्वल टू जी में जीरो है, तो आ जाएगा फाइव वन वाई प्लस एक्स, फाइव टू वाई माइनस एक्स, दिस इज आंसर, क्लियर। एक और क्वेश्चन करा देती हूँ जिससे और क्लियर हो जाएगा, जैसे और ज़्यादा डिग्री बन रही हो तब क्या करोगे, सेम पावर है, पावर बस फोर है, जो भी इन क्वेश्चन का था वो ट्वाइस फॉर्म में था, पावर देखो दोनों में पावर कैसी फोर है ना, होमोजीनियस पैटर्न है। सॉल्यूशन लिखता है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डी में, तो यहाँ पर डी टू पावर कितनी बन जाएगी, डी टू पावर फोर जेड, यहाँ पर कितना बन जाएगा, डी टू डी डैश टू पावर फोर जेड इक्वल टू जीरो, फोर माइनस डी डैश फोर जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो। यहाँ पर फिर लिख देंगे सिंस डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी रख रहे हैं अपन, डी, और डेल अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, डी डैश, ठीक है। फिर लिखेंगे द ऑक्सिलरी सॉल्यूशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सहायक समीकरण, ठीक है, स्पेलिंग सही कर देती हूँ थोड़ी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, d की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती है, m, d डैश की वैल्यू 1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, m टू पावर 4 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। इसको बना सकती हूँ m स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर और 1 स्क्वायर कर सकते, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस का 1, एम स्क्वायर प्लस वन, इसको होल को मैं ब्रेक कर रही हूँ, वन को होल स्क्वायर करने में कोई फर्क नहीं, वैल्यू वन ही आएगी, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा रही हूँ ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर पुट कर रही हूँ, ए की वैल्यू कितनी रख रही हूँ, एम स्क्वायर, एम स्क्वायर माइनस का वन स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस का वन, यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन, जहाँ ए है वहाँ पर एम स्क्वायर डाल के देख लेना। क्लियर हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर अगेन फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस वन मिला मुझे, यहाँ पर कितना है एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा एम स्क्वायर माइनस वन, ये बन जाएगा एम स्क्वायर एम प्लस वन, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। अगेन फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी ए प्लस बी। क्लियर, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ जाएगा एम माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एम प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ जाएगा एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो यहाँ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन आ जाएगी, आ जाएगी। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, माइनस का वन आ जाएगी। यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा तो एम स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस का वन, एम लगाओगे तो रूट आ जाएगा, रूट ट्रांसफर करते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है। क्लियर, ये रूट ट्रांसफर करें प्लस माइनस, तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट की वैल्यू कितनी होती है, आई इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट आई की वैल्यू कितनी, रूट माइनस वन की वैल्यू कितनी होती है आई। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, एक प्लस आई माइनस का आई, ठीक है। तो इसको अरेंज कर रहे हैं तो एम इक्वल टू माइनस वन प्लस वन माइनस का आई प्लस का आई, कितनी वैल्यू आ गई हैं, चार। और चारों कैसी हैं, डिफरेंट, फॉर्मूला वही फाइव वन के फॉर्म में बनाएंगे, माइनस वन पहले लिखा है प्लस वन लिखा है आई और माइनस आई। क्लियर हो रही, डाउट तो नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एम इक्वल टू एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, फोर में थ्री तक का फॉर्मूला आपको टेबल में बताया था, तो सी एफ इक्वल टू फाइव वन वाई प्लस एम वन एक्स फाइव टू वाई प्लस एम टू एक्स फाइव थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स फाइव फोर वाई प्लस एम फोर एक्स। पुट कर देते हैं तो यहाँ पर सी एफ इक्वल टू फाइव वन की वैल्यू कितनी मानी मैंने, कितनी मानी है, माइनस का वन प्लस वन माइनस का वन, एम वन कितना है मेरा माइनस का वन, फाइव टू एम टू कितना है प्लस वन, फाइव थ्री एम थ्री कितना माना है माइनस का आई, और फाइव फोर कितना माना मैंने आई, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सी एफ इक्वल टू फाइव वन वाई माइनस एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स फाइव थ्री कितना बन जाएगा आई माइनस आई एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा फाइव फोर वाई प्लस आई एक्स। क्लियर, सी एफ आ गया था, लेकिन द टोटल सॉल्यूशन इज, द टोटल सॉल्यूशन इज, तो जो अपना सी एफ है वही पी आई एन बनेगा, सी एफ वही आंसर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू में जीरो है गिवन इक्वेशन में। तो z इक्वल टू क्या बन जाएगा, फाइव वन वाई प्लस एक्स सॉरी y माइनस एक्स ये क्या है अपना आंसर। और एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इसको असेंडिंग पावर में जमाएं, कि असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं, जैसे मैंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया है, पहले माइनस वन प्लस वन, जमाना हो जमानो जमाओ, नहीं जमाओ नहीं जमाओ, डायरेक्ट भी लिख सकती है, एम वन मान सकती है, इसको एम टू इसको एम थ्री एम फोर, कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर, ठीक है। तो ये अपना जो मैंने सी एफ पैटर्न आपको करना सिखाया है वो आज मैंने कंप्लीट करा दिया है, यानी आज मैंने आपको सी एफ निकालना सिखाया और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होती वो मैंने सिखाया आपको। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी जिसमें मैं आपको पी आई निकालना सिखाऊंगी, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं और क्वेश्चन में कब निकालना है कब नहीं निकालना वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो यदि आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारी ऐप जिसका नाम 360 डिग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसी की हेल्प से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। यदि आपको लग रहा है कि आपको मुझे क्लेवस सेंड करना है तो हमारा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही मुझे कोर्स के अकॉर्ड आप हमें सिलेबस सेंड करते हैं तो हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारी ऐप में कोर्स बनाते हैं जिससे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो मैं आपसे आप नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।